ये जो आप दीपावली पे दिए बनाते हैं जी हाँ, कितना इससे आपको फायदा होता है? देखिए मिट्टी का बर्तन है, त्यौहार भी है, दीपावली भी है और दिया भी बनाते हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, मेहनत के साथ साथ उतना पैसा नहीं मिल पाता, और प्लस ऊपरी कंडी भी खरीदो, मिट्टी भी छानो, फिर दीपक बनाओ, जिस हिसाब से मेहनत हम करते हैं उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता। कितनी लागत लग जाती है दिया बनाने? देखिए लागत तो जो है मिट्टी भी खरीदते हैं, कंडे भी खरीदते हैं, इसके पश्चात मेहनत जो दिन भर करते हैं, एक मजदूरी समझ के मिल जाता है, जैसे मजदूर आदमी नहीं करता जी जी, उसी प्रकार मेरा भी एक तरीके से मजदूर है। दीपावली पे लोग मोमबत्ती का यूज करते हैं, पीतल के दिए का यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है मिट्टी के दिए जो इतनी मेहनत से आप लोग बनाते हैं उसका अस्तित्व तो कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, आज से नहीं है, पुराने जमाने से मिट्टी का बर्तन शुभ होता है और हमेशा शुद्ध रहेगा, और इसके पश्चात मिट्टी का बर्तन है, शुद्धता से दीपक जलाएं हर भाई बहनों, मेरी यही कामना है, और जो मोमबत्ती है झाला रहा ये है, लेकिन मिट्टी शुद्धता है, आप कुल्हड़ में चाय पीजिए, दीपक भी जलाइए, शुद्ध चीज है, हम यही चाहते हैं, हम यही पैसा धंधा करते हैं, हमारा जो कारोबार हमेशा चलता रहे, और मैं गवर्नमेंट से आशा करता हूँ कि मिट्टी के बारे में जितने भाई कुमार हैं उनको ध्यान दिया जाए और बढ़ोतरी किया जाए। ये बताइए आपकी दीपावली कैसे मनती होगी, आप इतनी मेहनत करते हैं, एक दिया बनाने में आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगते हैं जी, तो हाँ क्या आप लोगों को संदेश देना, क्या आप जानकारी देना चाहते हैं लोगों से? देखिए हम यही कहना चाहता हूँ, मेरा भारतवर्ष है, भारत देश हमेशा खुश है, खुश रहेगा, और इसके पश्चात हम सभी से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि पुराना जो है पैसा धंधा है, मिट्टी का कारोबार हम करते हैं, हम सभी से यही निवेदन प्रार्थना करते हैं कि दिया जलाएं सभी वर्ग के लोग, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। मैं सभी भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक दीपावली की शुभकामना करता हूं और सदैव हमेशा खुश रहें, यही मेरी प्रार्थना है। मेरा नाम अमीर चंद प्रजापति, अलुपी वाक का निवासी हूं।